हेलो गाइस, नमस्ते जी, जुले, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस सोलमेट्स। सो आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं आउटडोर कुकिंग, और कुकिंग की लोकेशन है मिनी मनाली। गाइस, यहां पर मनाली की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है लाहौल की मिनी मनाली की, जो है उदयपुर से 1 किलोमीटर आगे पांगी रोड पर। तो चलिए व्लॉग को एंड तक देखें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मिनी मनाली। ये देखिए नज़ारा यहाँ पे, आप देवदार के घने पेड़, वाह, बिल्कुल मुझे ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे क्वाई थाज पहुँच गए ना। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा। वाह गाइस, देखिए ये है चंद्रभागा नदी, और ब्रिज देखिए आगे। तो यहाँ से आगे आपका तिंडी पांगी के लिए रोड है ये वाला, तो यहाँ से बिल्कुल ऑफ रोड है, मिनी मनाली तक ही रोड मेटल है, उसके बाद फिर कच्चा ही है। और ये देखिए सलपत गांव, यहाँ पर ये है सलपत गांव। वाह, तो गाइस देखिए अब हमारी आउटडोर कुकिंग की लोकेशन फाइनल होने वाली। थोड़े से ऊपर ले लो, वाओ, बस 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 ठीक है। चलिए देखिए गाड़ी भी हमारी अच्छी जगह लग गई है, रोड से बिल्कुल साइड में। तो भाई जी कैसा लग रहा मिनी मनाली में आके? बहुत बढ़िया। लोकेशन अब हमें लोकेशन देखनी है कहाँ पर, और आपको दिखाऊं यहाँ पर बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ही मोटा पेड़। देखिए ये देखिए देवदार का बहुत मोटा। यो अभी व्हाट आर यू डूइंग बेटा? हाँ जो जो बॉल नहीं फेंकना नीचे, है ना, रिवर में चला जाएगा बेटा फिर, है ना। तो देखिए गाइस, ये पेटी हमें मिल गई थी उदयपुर से एक फर्नीचर की शॉप से, वहाँ पर प्लेनर लगा था तो वहाँ से हमने रिक्वेस्ट करके लिया ये सब कुछ। वाह, मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप खिलने लग गई है। हेलो अभी, क्या कर रहे हो? बस अपना बॉल बेटा नीचे जाएगा ये, प्लीज इस बॉल को संभालो, पीछे को। हाँ अच्छे, डालो डालो ये। और क्या चाहिए? प्याज लहसुन। क्या बात है भाई जी, क्या बात है, आज आज भाई जी स्पेशल कुक हमारे। अब तो लकड़ी लाने की वीडियो भी बनानी पड़ती भाई। नीलम सीढ़ी आना था, सीढ़ी लागी मुक्की थी, तो लगनी और सीढ़ी रे। हाँ वारो है, पड़ो तू पड़ो, इत लागे मिनी मनाली पौंदी मैगी।
हवा ठंडी खानी हो धूं बिगा खड़ा वाला। गाइस एक बात कहना चाहूंगा, अभी हम लोग मिनी मनाली में हैं और हम लोग आउटडोर कुकिंग अभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो हमने देखी, यहाँ पर बहुत ज्यादा यू नो जितने भी ड्रिंकिंग जो शराब की बोतलें हैं सब लोग यू नो पीना अलग बात है, लेकिन पीने के साथ साथ वो बोतलों को जो है फोड़ कर वहीं पे जो कांच है वो वहीं नीचे है, पूरे में कांच ही कांच है। तो ये बहुत गलत है। अगर आप लोग भी, क्योंकि इस जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन इस तरह से इसकी जो खूबसूरती है वो खराब हो रही है। तो वैसे आप ध्यान रखें, कुछ भी आप आउटडोर कुकिंग कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे आप इस तरह से बोतलों को अपने साथ ले जाएं और वहाँ पे उन्हें फाड़े मत, तोड़े ना उन्हें, क्योंकि ऑल ओवर कांच ही कांच है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि गाइस हम लोग तो अपने यू नो मैं तो अपने छोटे बेबी को भी साथ में लाया हूँ कि चलो बेबी भी हमारा आउटडोर कुकिंग का मजा लेगा, बट वही है कि हम लोग दो तीन जगह जो हमने चूज करने वाले थे बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे जब नीचे देखा तो वहाँ पे कांच ही कांच है पूरे उसमें। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चोट भी पहुँचा सकते हैं, पैर में जा सकते हैं, जूते के अंदर भी जा सकता है, इतने आपको पता है शीशा काफ़ी तीखा होता है। खैर गाइस चलिए, आई होप कि सभी हाइकर्स ट्रैकर्स एंड घूमने वाले जो ट्रैवलर्स हैं वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और प्लीज़ आप मिनी मनाली को खूबसूरत बनाए रखने में सहयोग दीजिए अपना। चलिए आपको दिखाते चंद्रभागा। तो ये देखिए गाइस, थोड़ी ही दूरी पर बह रही है चंद्रभागा नदी, और ये देखिए मिनी मनाली की खूबसूरत वादियाँ। और गाइस इसको मिनी मनाली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो यू नो जो नेचुरल जो क्लाइमेट है और जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल देवदार के यहाँ पे पेड़ दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि लाहौल में काफ़ी रेयर हैं देवदार के ट्री। जो उदयपुर वाली वैली है वहाँ पर देवदार के ट्री आपको मिलेंगे। तो जो यहाँ का क्लाइमेट है वो मनाली से बिल्कुल मैच करता है, और जो यहाँ की वेजिटेशन है वो भी, इसलिए इसको मिनी मनाली कहते हैं। सो सच में ही मिनी मनाली है, और इवन सर्दियों में तो जब बर्फ़ का नज़ारा होता है यहाँ पे तब तो ये और ज़्यादा जन्नत लगती है, जन्नत। बस थोड़ा सा मुझे एक ही बात से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये जो यू नो जो मैंने कांच की बात की कि ड्रिंक करने के बाद बियर की बॉटल यू नो शराब की बॉटल वो सभी वहीं पर जो है उसके कांच पड़े हैं तोड़ के रखी है, तो वो गलत बात है। तो इस सभी का आप लोग ध्यान दें। बाकी गाइस आउटडोर कुकिंग आपको अगर हम लोगों की अच्छी लगी है तो आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। चलिए अब पूरी तरह से मैगी हमारा प्याज पकने को था, तो देखते हैं ज़रा प्याज रेडी हो गया है। हाँ जी नीलम, प्याज रेडी हो गया, हल्दी भी डाल दिया आपने, क्या बात है। ये बन रही है मैगी के लिए ग्रेवी, ये है शेफ नीलम। देखिए नीलम क्या बात है, मैगी बना लेते हैं वैसे आप कोशिश। ये वेजिटेबल्स पड़ गई हैं अब, ये देखिए शिमला मिर्च और फूल गोभी मटर। पानी डाल दो अब, पड़ जाएगी थोड़ा। हाँ तो गाइस ये देखिए, पिकनिक मनाने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बिल्कुल भी आपने जगह पे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पैक करके हम इसको डस्टबिन में डालेंगे।
भाई जी देखो जरा पकी भी पकी होगी है ना, चम्मच खाए हुए आपके लिए चम्मच अभी। अच्छा आप अपने लिए रखो उसको ताता होना। नमक तो हो गई है, नमक ठीक है, नमक ठीक है, पकी पर उतनी पकी नहीं है पर फिर भी चट पड़ी है। नहीं नहीं पकने दो ना अच्छे से, फिर तो हाँ जी भाई कैसा है? बस ठीक है ना, एकदम मस्त। जूनी पर नीचे नीचे मैगी हो गई है रेडी, देखिए क्यूब लेके आए हैं बॉल में, प्लेट भी है बॉल भी है। तो कितने रुपए की मैगी थी जी? ये जी 50 रुपए की है। 50 रुपए की मैगी क्या खिला रहे हैं आप इसमें इतनी जैसे थोड़ा थोड़ा तो डाल रहे हैं आप इसमें? देखो क्या क्या डाले, मटर डाले, शिमला मिर्च है, देगी मिर्च है, मिर्च है, हरे हरे मटर है, मटर सब्जी ज्यादा प्रोटीन होती है, ये देखिए। हाँ तभी ये 50 रुपए की मैगी है ना, अभी ये 50 रुपए की, ये अभी के लिए स्पेशल बाउल, अभी के लिए स्पेशल बाउल। तो गाइस मैगी हो गई है रेडी हमारी, वाह हो गया यार, बस बस